ये ठीक नहीं होता। जैसे सरकार और आदमी, ये सिटीजन का इंटरफेस जो है खिड़की के थ्रू होती है, खिड़की के थ्रू, तो आप इंटरनल कैमरा वो सीसीटीवी भी करने अंदर वाले थे हम लोग, करने काफी वाले। सारे हाँ प्लान्स थे कि क्या जैसे था? यहां से आदमी एंटर करता है जी और ये खिड़की है, जी ये पूरा का पूरा 2-3 CCTV कैमरा के थ्रू हम लोग वॉच में लाने वाले थे। ये ऑलरेडी 3-4 डिपार्टमेंट्स में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू हो गया था, और वो वाला सीसीटीवी का मॉनिटरिंग और कई सारे डिपार्टमेंट्स के सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के लिए 2 या 3 ऑफिसर्स को, ईमानदार ऑफिसर्स को बिठा दीजिए। वो अगर देखेंगे कि कोई भी गलत एक्टिविटी कहीं हो रही है तो तुरंत उस पर क्लिक करेंगे एंड दे विल कॉल द क्लर्क, सो एवरीवन, सबको पता चल जाएगा कि उनको वॉच किया जा रहा है। तो ये सब प्लान थे, ये तो प्लान था हमारा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब अच्छे अच्छे काम कर रहे थे अब आप फिर। अपने चैनल के जरिए जनता को बोलिए कि इस बार बीजेपी कांग्रेस को हराएं और आम आदमी पार्टी को 56 सीट दिलाएं, तो मैं एक और केवल बार 56 सीट नहीं, लोकसभा में भी वोट दें। लोकसभा में हमारे लोग जाएंगे, इन लोगों को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, इनके टाइट करके रखेंगे कॉलर, इनके गर्दन ठीक करके रखेंगे। बार बार आपने कहा है इस दौरान कि आप सत्ता की राजनीति में नहीं है, ना आपको पद चाहिए ना पदवी, है ना। मगर कल इस्तीफा देने से पहले असेंबली में कहा कि यहाँ पे रह के मुझे लगा कि यहाँ नहीं पार्लियामेंट में जाना है। मैं बस यही कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई, हमारी पूरी कवायद जो है वो कोई MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। हम तो भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, तो उसी की लड़ाई है हमारी, कोई पदों की लड़ाई नहीं है। तो आपके पास कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों में एक तीसरा नाम जुड़ेगा, मोदी मेरा वर्सेस मेरा केजरीवाल कोई होगा आपके मेरा कोई बाद नाम नहीं या है, मोदीवाल? मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कोई किसी का उम्मीदवार नहीं हूँ, एक ही उम्मीदवार हूँ, इस देश से भ्रष्टाचार दूर करना। अब तक ये कहते आए हैं कि बीजेपी आपको कांग्रेस का बी टीम कहता रहा, तो कांग्रेस का भी आपको बीजेपी का बी अब टीम पता चल कहता गया ना, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की AB टीम है, कल तो बिल्कुल साबित हो गया ना, साबित कर दिया हम लोगों ने। तो इसमें बात आती थी कि आप मोदी जी से कहने में, मोदी जी के बारे में जो है आप बच देते कहने में। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं की, मैं राहुल जी के खिलाफ भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैंने मोदी जी के खिलाफ भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि ये लोग जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात होनी चाहिए। उसी की मैंने आज आपसे बात की है कि अभी तक इस देश को मुकेश अंबानी चलाते थे, आज अगर चुनाव में UPA चली जाती है और NDA आ जाती है तब भी मुकेश अंबानी चलाएंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी, ईमानदारी नहीं आएगी। आज इस देश में पहली बार सब लोग बोल रहे हैं, एक ही पार्टी है जिसने अनिल अंबानी को भी चुनौती दी है और मुकेश अंबानी को भी चुनौती दी है, और केवल मुंह से बोल के नहीं, हेड ऑन चुनौती दी है। एक के खिलाफ CAG ऑडिट ऑर्डर किया है और दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज की है, छोटी बात नहीं होती है। तो हेड ऑन हम लोगों ने चैलेंज किया उनको, इस व्यवस्था को हेड ऑन चैलेंज किया है, तो आज एक ही पार्टी इस देश को व्यवस्था परिवर्तन दे सकती है, ईमानदार राजनीति दे सकती है, ना मोदी जी दे सकते ना राहुल गांधी दे सकते। इसी सबसे थोड़ा संदेह होता है कि क्या आपका ये जो 49 दिन जो सरकार में थे वो एक तय प्लान था कि हम जाएंगे कुछ करेंगे, और कुछ कुछ काम ऐसा बिल्कुल किया कि सारा हम लोगों ने क्या अनिल किया, अंबानी? हाँ 27 दिसंबर को हम लोग बैठ गए और हमने डिसाइड किया कि अब देखो 28 को हम ये करेंगे, फिर 29 को 10 बजे ये करेंगे, फिर ये ऐसा रिएक्शन होगा, फिर LG हमें अपोज करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, ये तो हुआ ना कि अनिल अंबानी के अगेंस्ट हुआ, हमने मुकेश काम अंबानी के साथ किया, हुआ। लेकिन ऐसे ऐसे बैठ के प्लानिंग नहीं हो सकती, ये बेकार की बात होती है कि अरविंद बड़ा शातिर है और उसने पूरा प्लान कर रखा था और 3 महीने प्लान कर पहले प्लान कर लिया था, ये सब बकवास है। बकवास कुछ था भी क्योंकि कमिटमेंट था भ्रष्टाचार के खिलाफ, कमिटमेंट था कि हाउस एवर माइटी एनीवन, भी कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, बख्शेंगे नहीं अगर उसने भ्रष्टाचार किया, वो करके दिखा दिया। तो सिर्फ ये इत्तेफाक था कि ये खुद खुद चंद दिनों के बाद, मुकेश अंबानी के FIR के चंद दिनों के बाद आपको इस्तीफा देना पड़ा और आप फौरन जो है आपकी पार्टी की मुकेश अंबानी लोकसभा। जी की FIR ने कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ खुले में लाके खड़ा कर दिया,
कि कुछ भी हो जाए मुकेश अंबानी को बचाना है, इनकी सरकार गिराओ। मैंने पहले बोल दिया था कि अगर मेरे इनके इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया तो मैं सरकार गिरा दूंगा, मैंने दोनों ने मिलकर इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। मुकेश अंबानी की FIR ने प्रॉम्प्ट किया इन दोनों को। कल एक टीवी शो में योगेंद्र यादव थे, योगेंद्र यादव ने बात उठाई, दूसरे डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो योगेंद्र यादव ने कहा हर्षवर्धन साहब आप एक लाइन बोल दो गैस का स्कैम हुआ है, नहीं बोले। बोलो, उन्होंने कहा ये बोल दो भाई रिलायंस ने स्कैम किया है, रिलायंस शब्द बोल दो। मुकेश अंबानी, उनके मुंह से मुकेश अंबानी शब्द भी नहीं निकलता, मतलब क्या हाल हो गया इन पार्टीज का, भगवान है मुकेश अंबानी इन लोगों के लिए। मैं वापस एक बार और ये सवाल आई विल आस्क यू डिफरेंटली कि जैसे ये हुआ आपकी सरकार गिरी या आपने इस्तीफा दिया, तो आपके पार्टी जो है एक लोकसभा चुनाव के जो रोल आउट प्लान से तैयार है, आप 23rd से जो है आपका प्लानिंग भी है। अब खाली हो गए तो निकलेंगे, अब कुछ तो नहीं, करेंगे। खाली होने का वो ये एक प्लान तो मैंने था। आपको बताया था, अभी खाली होने का प्लान थोड़ी था, वैसे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला था, उसके बाद निकल जाते हम। तो आपके जो चुनाव जो है, क्या आपको लग रहा है कि वो LG आपके सुझाव मानेंगे कि डिसॉल्व होगा असेंबली? एलजी का टेक्निकली और लीगली तो मानना चाहिए, वो लेकिन कहेंगे माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मानने की जरूरत वो कुछ नहीं भी है। कह सकते हैं। वो कह रहे हैं ना कि गृह मंत्रालय का बहुत दबाव है, शिव सरकार का बहुत दबाव है, कांग्रेस का बहुत दबाव है, वो भी बेचारे इंसान हैं, कितना दबाव बर्दाश्त करेंगे, अच्छे आदमी हैं, लेकिन सब लोग सब तरह का दबाव नहीं बर्दाश्त कर एक पाते अच्छे हैं। आदमी के लिए खटास, बड़े कठोर शब्द भी यूज किया गया है क्या उनके, जैसे कांग्रेस एजेंट और आशुतोष ने बोला था, जी। हमें थोड़ा शब्द, वी शुड बी केयरफुल। अगर चुनाव हुए दिल्ली के विद पार्लियामेंट, फिर आपकी प्रायोरिटी कहाँ, दिल्ली में रहेगी कि फिर बाहर? भ्रष्टाचार तो सब जगह से दूर करना है, हर जगह की प्रायोरिटी है। तो एक एक जगह कहीं तो होना पड़ेगा ना नहीं, आपको। सब जगह क्या जाएंगे, पूरे दिल्ली देश में में अगर जाएंगे, आप नेक्स्ट आएगी तो दिल्ली में भी अरविंद प्राइम जाएंगे। चीफ मिनिस्टर होंगे कि कोई और होंगे? सर कोई भी बन जाए मुख्यमंत्री, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आम आदमी बात पार्टी अरविंद भ्रष्टाचार के को नाम दूर से जानी करने के, जाती है, नहीं, बात भ्रष्टाचार दूर करने के लिए है, और अरविंद केजरीवाल या हर तरह से तन मन धन जो है हम लुटाने के लिए तैयार हैं। नहीं, जैसे आम आदमी के सपोर्टर्स भी हैं उसके, आम आदमी सर सपोर्टर अगर बेस जरूरत के पड़ी तो बन फेस। जाएंगे, अगर इफ देर इज अ नीड आई विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, देर इज नो प्रॉब्लम, आई वॉज द चीफ मिनिस्टर टिल नाउ, आई विल बिकम द चीफ बट मिनिस्टर। पिछले इलेक्शन जो है यू आर द प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर, अभी तक आपके पार्टी ने इलेक्शन में। ऐसा सोचा नहीं है, बट मतलब मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर आप ही होंगे कि प्रोजेक्शन आपका ही होगा सर कि मैं कैसे बता दूं, वो तो एमएलए डिसाइड करते हैं ये तो पॉलिटिकल पार्टी वाली लाइन हो गई। ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन लाइन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप कहते हो पॉलिटिकल लाइन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऐसे। अच्छा, ये लिखा है, चलिए मान लेते हैं। तो अरविंद जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत 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 थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।